वहाँ पे थे तो वहाँ पे ना पूरी हो गई थी, पूरा तालाब गंदा हो गया था। तो फिर सब बोल रहा था भाई पानी चाहिए पानी चाहिए, ठीक है पानी चाहिए पानी चाहिए। तो गौतम बुद्ध ने क्या बोला, 2 मिनट रुक जाओ, अभी देख के आओ तालाब का पानी ठीक है। और शिष्य गए बोले नहीं उसमें तो बहुत मिट्टी है बहुत गंदगी है। तो फिर गौतम बोला ठीक है थोड़ा सा और वेट करो। फिर आधे घंटे बाद गए, फिर आधे घंटे बाद गए तो वहाँ फिर मिट्टी थी, ठीक है। फिर गौतम बुद्ध बोले ठीक है थोड़ा रुक जा। फिर आधे घंटे बाद भेजे, जब फिर आधे घंटे बाद भेजे तो वहाँ पर क्या देखे, साफ हो गया है। तब अपने शिष्यों से बोले अब तुम पी सकते हो। तो शिष्यों ने बोला बाप आप गौतम बुद्ध से पूछे कि आप बताइए आपने मुझे इतना वेट करने को क्यों कहा। तो गौतम बुद्ध ने बोला इसलिए वेट करने को कहा क्योंकि मैं तुमको कुछ सिखाना चाह रहा था। क्या सिखाना चाह रहे थे बताओ? नहीं पता। सिखाना चाह रहे थे जो आदमी का दिमाग होता है, आदमी को जो गुस्सा आता है ना, तो आदमी का दिमाग तालाब की तरह होता है, उसमें पूरी गंदगी फैली रहती है, खूब गुस्सा होता है, इसलिए आदमी उसमें ठंडा नहीं होता है। फिर जब गुस्सा आता है तो आदमी को क्या करना चाहिए, ठंडा करना चाहिए। हाँ मैंने कि कैसे, आधे आधे घंटे रुक के हाँ। इसे क्या होता है, जब आदमी जो रुक जाता है